मॉर्निंग एवरीबॉडी, आज के सेशन में हम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले सेशन में हमने आपको शॉर्ट सर्किट टेस्ट और ओपन सर्किट टेस्ट समझाया था, जिसमें हमने लॉसेस कैलकुलेट किया था। वहाँ बार बार हम आपसे कह रहे थे कि इसका इस्तेमाल क्या था एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर कैलकुलेट करने में। तो आज हम एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर ही डिस्कस करेंगे, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एफिशिएंसी से मतलब होता क्या है, कितने तरह के लॉसेज होते हैं और कौन कौन से पैरामीटर्स पर डिपेंड करता है। फिर हम देखेंगे कि एफिशिएंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैक्सिमम एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, और आम तौर पे जो एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर की वैल्यू क्या किस रेंज में होती है एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की। और सबसे एंड में हम डिस्कस करेंगे ऑल डे एफिशिएंसी, जिसको एनर्जी एफिशिएंसी भी कहते हैं, जो ट्रांसफार्मर के लिए एक नए तरह के एफिशिएंसी को आखिर क्यों डिस्क्राइब किया गया, क्यों इसकी ज़रूरत पड़ी है। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एफिशिएंसी। तो सबसे पहले हम जानते हैं एफिशिएंसी के बारे में कि एफिशिएंसी को डिफाइन किया जा सकता है किसी भी मशीन के लिए। एफिशिएंसी को डिफाइन किया जाता है आउटपुट पावर डिवाइड बाय इनपुट पावर। ठीक है, आपने डीसी मशीन देखा है, इस ढंग से कई चीजें की होगी अब तक आपने, हर जगह इसको इसी ढंग से डिफाइन किया था कि आउटपुट पावर का रेशियो और इनपुट पावर का रेशियो। इसको दूसरे ढंग से ऐसे भी लिख सकते हैं कि आउटपुट पावर है, ठीक है, इनपुट पावर को क्या लिखा जा सकता है, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। क्योंकि जो भी इनपुट पावर आप मशीन में प्रोवाइड कर रहे होंगे, किसी भी मशीन में, आप इस केस में ट्रांसफार्मर समझ लीजिए कि हमने जब ट्रांसफार्मर को टोटल इनपुट पावर दिया, तो कुछ आउटपुट पावर मिल रहा होगा और कुछ पावर वेस्ट हो जा रहा होगा हमारे लॉसेज में। तो इस ढंग से हम इफिशियंसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, आउटपुट पावर डिवाइड बाई आउटपुट पावर प्लस लॉसेज। तो यहाँ लॉसेज ही अभी हम पहले डिस्कस करेंगे समझने के लिए कि आखिर लॉसेज से क्या मुराद है। ये लॉसेज आप जानते हैं, प्राइमरली हमने पढ़ा है, दो ढंग के होते हैं, एक को कहते हैं आयरन लॉस या कोर लॉस, या इसको मैग्नेटिक लॉस भी कहा जा सकता है, लेकिन यही दो टर्म ज़्यादा फेमस है। और दूसरा होता है कॉपर लॉस। ठीक है, हमने जब आपको ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ाया था, तो ओपन सर्किट टेस्ट में हमने देखा था कि हम वहाँ आयरन लॉस कैलकुलेट करते हैं, और इसी ढंग से फिर हमने शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया, तो शॉर्ट सर्किट टेस्ट से हमने देखा कि हमारे पास हमें कॉपर लॉस मिल गया है। तो जो ट्रांसफार्मर में ब्रॉडली दो लॉसेज होते हैं, वो कॉपर लॉस और आयरन लॉस ही होता है, बाकी स्ट्रे लॉसेज हर एक मशीन में होता है, वो बहुत कम होता है, उसको आमतौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाता है। ठीक है, और वो जो होता भी है वो काफ़ी फिक्स क्वान्टिटी है, उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। तो हमको एसेंशियली ध्यान देना है यहाँ पर आयरन लॉसेज पर और कॉपर लॉसेज पर। तो हम यहीं से बातों को डिस्कस करेंगे, तो इसके पहले थोड़ा सा समझ लेंगे कौन कौन सी चीज़ें किस पैरामीटर पर डिपेंड करती है, ताकि हम अपनी एफिशिएंसी जब समझाएं तो उसको हम क्लियरली आपको समझा सकें आखिर क्या मुराद है एफिशिएंसी से। ठीक है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बात कॉपर लॉस से। कॉपर लॉस को मैंने आपको पिछले सेशन में भी बताया था कि कॉपर लॉस क्या होता है। जो मैंने शॉर्ट सर्किट टेस्ट परफॉर्म किया, तो कॉपर लॉस निकला था आई स्क्वायर आर इक्वेलेंट। आर इक्वेलेंट मतलब टोटल ट्रांसफार्मर के इम्पीडेंस को हम जेड इक्वेलेंट प्लस एक्स इक्वेलेंट के फॉर्म में शो कर सकते हैं। ये चीज़ें मैं पिछले सेशन में बता चुका हूँ कि जिधर इक्विपमेंट कनेक्ट किया था उस साइड का हमारे पास टोटल आ रहा था, उस तरफ हमने इम्पीडेंस को रेफर कर दिया था, दूसरी तरफ भी हम इसको रेफर कर सकते हैं। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में हम यहाँ पर आर इक्वेलेंट ले रहे हैं कि टोटल इक्वेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द ट्रांसफार्मर क्या हुआ, इसको आई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा टोटल कॉपर लॉस ऑफ द ट्रांसफार्मर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि आपका जो कॉपर लॉस है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, आई स्क्वायर के, यानी जितना करंट फ्लो हो रहा है ये हमारे लोड पर डिपेंड कर रहा है, परसेंटेज ऑफ लोडिंग पर डिपेंड कर रहा है कि हमारा कॉपर लॉस कितना होगा। क्योंकि वोल्टेज आमतौर पर कॉन्स्टेंट होता है, चाहे आप पावर ट्रांसफार्मर की बात करें या डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की बात करें, वो रेटेड RMS वोल्टेज पर काम कर रहा होता है। तो यहाँ ऐसा हम कर सकते हैं क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी है, वैल्यू की बात नहीं कर रहे हैं, अब भी ये प्रोपोर्शनल रहेगा, हमने रेटेड वोल्टेज से ही इसको स्क्वायर से ही इसको मल्टीप्लाई कर दिया है। और ये चीज़ हम जानते हैं, ये होता है क्या चीज़ है, कैपेसिटी ऑफ द ट्रांसफार्मर, KVA रेटिंग, MVA रेटिंग, ठीक है, अपेरेंट पावर जिसको कहते हैं। तो इस ढंग से हम देख सकते हैं कि हमारा कॉपर लॉस जो है वो अपेरेंट पावर के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इस बात का ख्याल रखेंगे हम आगे। ठीक है, ये चीज़ का हम बहुत ख्याल रखेंगे, ये चीज़ें हमारे पास आगे काम आएगी जब हम एनालिसिस या जब डिफरेंट न्यूमेरिकल करना शुरू करेंगे, तो ये चीज़ें मेरे पास काम आएगी। क्योंकि कॉपर लॉस क्या होता है, कैपेसिटी के प्रोपोर्शनल होता है, जितनी कैपेसिटी होगी उस हिसाब से वो करंट प्रोवाइड करेगा और उस हिसाब से कॉपर लॉस होगा। ठीक है, जितना आपके करंट की रिक्वायरमेंट होगी, जिस ढंग का लोड लगाएंगे उस हिसाब से करंट फ्लो होगा और उस हिसाब से कॉपर लॉस होगा। तो करंट
जी मेन प्राइमरी फैक्टर है जो हमारे कॉपर लॉस को अफेक्ट करता है। कॉपर लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट के स्क्वायर को होता है। ये एक हुआ पहला लॉस। अब दूसरा लॉस हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, तो दूसरा लॉस था हमारे पास कोर लॉस। कोर लॉस या जिसको आयरन लॉस कहते हैं या जिसको मैग्नेटिक लॉस भी कहा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि ये आपके जो मैग्नेटिक कोर है उसमें होने वाले लॉस को कहते हैं। इसको भी मैंने आपको बताया था कि ये दो ढंग के होते हैं कोर लॉस। एक को कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, दूसरे को कहते हैं एडी करंट लॉस। ये चीज़ें मैं पहले आपको आइडियल ट्रांसफार्मर जो पढ़ा रहे थे तो ये चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी थी, लेकिन मैं फिर से थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड क्लियर हो कि लॉसेस क्या है और किस ढंग से किस फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है हमारा इफिशियंसी ऑफ द ट्रांसफार्मर। तो हिस्टेरेसिस लॉस क्या था, ये मेनली डिपेंड कर रहा था कि आप मटेरियल कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं कोर का। जब हम मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज कर रहे हैं तो हमने देखा था कि हमारा जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो कर्व बनता है, बीएच कर्व बनता है किसी मटेरियल का, जो मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं कोर में, वो एक लूप क्रिएट करता है। वो लूप बनने की वजह से क्या होता है, इसके अंदर कुछ एरिया आ जाता है जो हमने बताया था। यही एरिया जो अंडर द कर्व है ये एक लॉसेस देता है, एरिया अंडर द कर्व लॉसेस देता है। उसी एरिया अंडर द कर्व को हम कहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस, ठीक है, उसी को कहते हैं हम हिस्टेरेसिस लॉस। तो हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला क्या होता है, इसको बिल्कुल याद रखेंगे। हिस्टेरेसिस लॉस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एफ के और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बी एम के। बी एम की पावर एन है, एन को स्टाइनमेट्स कॉन्स्टेंट कहते हैं। इसकी वैल्यू 1.5 से 2.5 होती है, लेकिन फॉर द सेक ऑफ न्यूमेरिकल हम एन की वैल्यू को 2 रखेंगे और हमारा हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला क्या बनकर आ जाएगा। बी एम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड उसके स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। तो ये चीज़ें जब आप हिस्टेरेसिस लॉस पढ़ेंगे तो इस ढंग से इसके फॉर्मूला से हिस्टेरेसिस लॉस निकाला जाएगा, क्योंकि जब भी आप इफिशियंसी पढ़ते हैं ट्रांसफार्मर के, जिसमें बहुत वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल्स बनते हैं, जहाँ पर हिस्टेरेसिस लॉस भी पूछा जाता है, एडी करंट लॉस भी पूछा जाता है, मैक्सिमम इफिशियंसी भी पूछा जाता है, इसी वजह से इस फॉर्मूले को ध्यान रखेंगे आप कि हिस्टेरेसिस लॉस का। या हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड किस पर कर रहा है, एक फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है। फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में आमतौर पर जो हम यहाँ भी ट्रांसफार्मर पढ़ रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर या पावर ट्रांसफार्मर, वहाँ हम फ्रीक्वेंसी के साथ कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी चेंजेस नहीं करते। तो यहाँ प्राइमरीली डिपेंड क्या कर रहा है, हमारे मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जब तक मैग्नेटिक फील्ड नहीं चेंज होगा, हमारा हिस्टेरेसिस लॉस कांस्टेंट रहेगा। इसी वजह से हम देखते भी क्या है कि हमारा कोर लॉस आमतौर पर कांस्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ चीज़ हमने बताया कि हिस्टेरेसिस लॉस डिपेंड क्या कर रहा था, मैग्नेटिक मटेरियल पे। तो हम जिस ढंग का मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल करेंगे वो डिसाइड करेगा कि इसमें इसकी थिकनेस कितने हैं, इसके एरिया अंडर द कर्व क्या है, बीएच कर्व का। डिफरेंट मटेरियल्स का डिफरेंट होता है, कुछ का नैरो होता है, कुछ का काफ़ी ब्रॉड होता है। तो जितना नैरो करते जाएंगे उतना कोर लॉस क्या होगा, उतना कोर लॉस आपका रिड्यूस होता जाएगा। इसी वजह से ट्रांसफार्मर में, जो मॉडर्न ट्रांसफार्मर है, उसमें हम कोर बनाते हैं हमारे CRGO सिलिकन स्टील का, ताकि हमारे लॉसेस को मिनिमाइज किया जा सके। हमारे यहाँ जो लॉसेस होंगे CRGO सिलिकन स्टील में वो न के बराबर होंगे। तो CRGO क्या चीज़ होता है, CRGO कोल्ड रोल्ड ग्रेन ओरिएंटेड को कहते हैं, ठीक है। आप यहाँ पर सिर्फ नाम ही याद रखिए, जब आगे दूसरा कई सब्जेक्ट्स हैं जिसमें आपको इसके बारे में डिटेल पढ़ना होगा, मटेरियल साइंस होता है, वहाँ ये सब चीज़ें जानना होता है, क्योंकि अभी मैं इसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। CRGO क्या है, इसी ढंग से फिर मैग्नेटिक मटेरियल है, तो ये चीज़ें मटेरियल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन मैं उसके डिटेल में नहीं जाऊँगा। तो ये चीज़ें आप याद रखेंगे कि मटेरियल के तौर पर जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो CRGO और सिलिकन स्टील का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इससे जो एरिया अंडर द कर्व आ रहा है बीएच कर्व के अंदर वो काफ़ी नैरो होता है। तो जितना एरिया आपका नैरो होगा उतना हिस्टेरेसिस लॉस क्या होगा, कम होगा। तो हम हिस्टेरेसिस लॉस को इस ढंग से घटा सकते हैं। और हिस्टेरेसिस लॉस का फॉर्मूला क्या है, वो प्राइमरीली डिपेंड किस पे कर रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी पर डिपेंड कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड डेंसिटी आपके किस पर डिपेंड करती है, वी बाई एफ पर डिपेंड करती है। तो जब तक आप वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी के साथ कोई तब्दीली नहीं करेंगे तो क्या आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो अगर ऐसा ट्रांसफार्मर जिसमें वोल्टेज नहीं चेंज कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी नहीं चेंज कर रहे हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा। मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रहेगा तो क्या होगा, आपका हिस्टेरेसिस लॉस कांस्टेंट होगा। जब हम आपको ओपन सर्किट टेस्ट पढ़ा रहे थे, इसी वजह से मैंने वहाँ पर आपको बताया भी था कि वो रेटेड वोल्टेज पे करते हैं, रेटेड फ्रीक्वेंसी पे करते हैं, ताकि
रेटेड मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस है ताकि रेटेड कोर लॉस प्रोड्यूस हो सके, ताकि एक्चुअल में हमारा जो कोर लॉस का असेसमेंट हम कर सकें वहाँ पर। ये हुआ आपका हिस्टेसिस लॉस। एक दूसरा लॉस है इसी में जिसको एडी करंट लॉस कहते हैं। एडी करंट लॉस क्या होता है, जब भी मैग्नेटिक मटेरियल या जो भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है किसी मटेरियल में, स्पेशली मैग्नेटिक मटेरियल ही होगा, ठीक है, फिर मैग्नेटिक मान लीजिए, तो यहाँ आप देख रहे हैं ट्रांसफार्मर के केस में भी फ्लक्स में वेरिएशन है, डी फाई बाई डी टी है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है जिसकी वजह से आपके ईएमएफ इंड्यूस हुआ और बाकी ट्रांसफार्मर एक्शन हो रहा है, तो जिसकी वजह से जो करंट आएगा ना वो वर्लपूल का शेप बनाता है, ये इस ढंग से गोल 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 बनता है, ठीक है, इसी वजह से इसको एडी करंट नाम भी रखा गया है, एडी करंट लॉस इसी को कहते हैं, इस करंट की वजह से जो लॉस होगा इसको कहेंगे एडी करंट लॉस। तो होता क्या है, जो भी आप मटेरियल इस्तेमाल कर रहे हैं, आप मिसाल के तौर पे समझिए कि मैं आपको कोर दिखाता हूँ, थोड़ा सीधा बना दिया मैंने, तो चाहिए थोड़ा क्लियर हो जाएगा, तो कुछ इस ढंग से दिखाऊं मैं ताकि इसको दिख सके आपको 3D टाइप। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पर इस सरफेस पे करंट फ्लो होता है मेरे कंप्लीट। तो मैंने आपको जब पहली बार पढ़ा रहा था ओपन सर्किट सॉरी आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो मैंने आपको बताया था कि ये जो कोर का मटेरियल है वो सिंपल एक मटेरियल कंप्लीट नहीं होता है, पतले पतले स्ट्रिप्स होते हैं जिनके एक दूसरे के साथ स्टैकिंग करने के साथ की वजह से वो थिकनेस बढ़ता है। तो इसको करेंगे क्या, इसको हम छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे, छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देंगे, यानी छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाएंगे और वो स्ट्रिप्स बनाकर हम साथ में जोड़ देते हैं जिससे वो थिकनेस आती है उसके अंदर, वो आपका मैग्नेटिक पाथ बनता है, मैग्नेटिक कोर बनता है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अब आपका एडी करंट सिर्फ इतना ही एरिया में घूम रहा है, सिर्फ इतना ही एरिया में घूम रहा है, सिर्फ इतना एरिया में घूम रहा है। ये जो छोटे छोटे स्ट्रिप्स बनाए ना, सिर्फ आपका एडी करंट इतना ही पाथ में घूमता है, जिसकी वजह से क्या होता है, एडी करंट एडी लॉस घटेगा। और साथ ही साथ ये जो डिफरेंट स्ट्रिप्स देख रहे हैं, जो बीच में हमने रेड लाइन से दिखा रखा है, वो इंसुलेटेड होते हैं एक दूसरे से, इंसुलेटेड होते हैं, इंसुलेशन की थिकनेस आमतौर पर 0.3 mm के रेंज में होती है, और वो इंसुलेटेड होते हैं किससे, वहां कोटिंग किया होता है वार्निश का हो सकता है, इनेमल हो सकता है, या आप ऑक्साइड लेयर समझ लीजिए। ये जो डिफरेंट स्टैक्स है, जो आप एक सिंगल स्टैक्स देख रहे हैं इतना पतला सा है, इसके ऊपर फिर दूसरा इसी ढंग का चढ़ा है, तो इनके बीच में क्या है, इंसुलेशन है, डिफरेंट टाइप के इंसुलेशन हम इस्तेमाल करते हैं ताकि एडी करंट को बड़ा पाथ नहीं मिले, एडी करंट का रास्ता हम छोटा कर सकें, हम यहाँ एडी करंट को मिनिमाइज करना चाहिए। एडी करंट आएगा क्यों, क्योंकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड जो है ये हमारा अल्टरनेटिंग नेचर का है, जब भी मैग्नेटिक फील्ड अल्टरनेटिंग नेचर का होगा तो वहाँ पर एडी करंट हमेशा प्रोड्यूस होगा, एडी करंट हमेशा ख़राब नहीं होता है। यहाँ ट्रांसफार्मर के केस में एडी करंट हमारे लिए बेनिफिशियल चीज़ नहीं है, एक लॉस है, लेकिन आप लोगों ने मेजरमेंट पिछले सेमेस्टर में पढ़ रखा है तो आप जान लोगे वहाँ एडी करंट की वजह से डैम्पिंग का इस्तेमाल किया था, एडी करंट डैम्पिंग जिसको कहते हैं, ठीक है, इसका डिफरेंट एप्लीकेशन भी है, लेकिन यहाँ ट्रांसफार्मर के केस में एडी करंट हमारे लिए एक लॉस क्रिएट कर रहा है, मशीन को गर्म करने का काम करता है, इसी वजह से इस लॉस को हम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। तो हम समझ गए कि एडी करंट है क्या, तो आखिर लॉस को रिड्यूस करने का पहला तरीका क्या है कि हम छोटे छोटे स्ट्रिप्स को स्टैक करेंगे, स्ट्रिप की स्टैकिंग करके हम कोर बनाएंगे मैग्नेटिक को, जिसकी वजह से उसको पाथ कम हो गया उसका ट्रैवल का, तो हमारे एडी करंट घट गया। उसके साथ ही साथ उसमें क्या करते हैं हम, 3-4% सिलिकन ऐड कर देते हैं मटेरियल में। सिलिकन क्या होता है, इससे आपकी रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है, अगर किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी तो वहाँ क्या हो जाएगा, वहाँ पर उसमें उसकी कंडक्टिविटी घट जाएगी, तो करंट की कंडक्टिविटी घट जाएगी, करंट कम कंडक्ट करेगा, जिसकी वजह से फर्दर आपका एडी करंट क्या होता है, एडी करंट रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखेंगे कि हम 3-4% सिलिकन ऐड करते हैं, और सिलिकन ऐड क्यों किया जाता है, ताकि हम रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल को बढ़ा सकें। रेजिस्टिविटी मटेरियल बढ़ाने से क्या होगा, एडी करंट हमारा रिड्यूस होगा, यानी एडी करंट लॉस हमारा रिड्यूस होगा। लेकिन सिलिकन को कभी भी 3-4% आप 4% मान लीजिए, 4% से अगर बढ़ा दिया जाए सिलिकन की वैल्यू को, तब मटेरियल आपका क्या हो जाता है, ब्रिटल हो जाता है, मटेरियल टूटने का खतरा हो जाएगा, ठीक है। इसी वजह से आप जब भी हम सिलिकन ऐड करेंगे तो हम ध्यान रखेंगे 3-4%, उससे ज़्यादा हम हरगिज़ नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमारा मटेरियल टूट जाएगा तो फिर वेस्ट हो गया ना,
तो मैग्नेटिक कोर में हम क्या किया, सबसे पहले हमने उसको स्मॉल स्मॉल स्ट्रिप्स को ऐड करके स्टैकिंग करके हमने उसका कोर बनाया, जिससे क्या एडी करंट को ट्रैवल करने के लिए पाथ कम मिला और एडी करंट लॉस कम हुआ। साथ ही साथ उसमें हम 4% तक सिलिकॉन को ऐड कर देंगे, जो कि फर्दर रेजिस्टिविटी बढ़ाता है, जिसकी वजह से हमारा एडी करंट लॉस और घट जाएगा। लेकिन सिलिकॉन के कंटेंट को हम 4% से ज़्यादा हरगिज़ नहीं बढ़ाएंगे, क्योंकि यह मटेरियल को ब्रिटल बना देता है। ठीक है, अब आपने देखा तो ऊपर हिस्टेसिस लॉस का फॉर्मूला, इसी ढंग से एडी करंट का भी फॉर्मूला होता है। एडी करंट लॉस का फॉर्मूला होता है एफ स्क्वायर और बी एम स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर भी इसकी यूनिट वाट पर मीटर क्यूब है, यहाँ भी इसकी यूनिट वाट पर मीटर क्यूब ही है। ठीक है, आप इसी चीज़ को देखिए, यहाँ पर उसके फॉर्मूला इस फॉर्मूला में बहुत फर्क नहीं है, वहाँ एफ है और बी एम स्क्वायर है। इस चीज़ को याद रखेंगे, इस दोनों फार्मूला को, जब मैं आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा, जहाँ पर एडी करंट और हिस्टेरेसिस करंट पूछा होता है, या फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे, वोल्टेज बढ़ाने पे क्या इफेक्ट होता है, तो उसका एनालिसिस इन्हीं दोनों फार्मूला से किया जाता है। इन दोनों फार्मूला को देखने से एक बात तो जाहिर होती है कि ये दोनों फार्मूला मेनली किस पर है, बी एम पर डिपेंडेंट है, क्योंकि फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में नहीं बदलता है, इनपुट साइड आउटपुट साइड। मैग्नेटिक फील्ड आपका किस पर डिपेंडेंट था, फिर से अगेन वी बाई एफ पर डिपेंड था। अगर V बाई एफ को कांस्टेंट रखिएगा, वोल्टेज कांस्टेंट और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रखिएगा, तो मैग्नेटिक फील्ड आपका चेंज नहीं होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, आपका हिस्टेसिस लॉस चेंज नहीं होगा, आपका एडी करंट लॉस नहीं चेंज होगा, यानी आपका कोर लॉस क्या होगा, इसेंशियली कॉन्स्टेंट होगा। इसी वजह से कोर लॉस को हम आमतौर पर कॉन्स्टेंट लॉस कहते हैं। दूसरा लॉस क्या था, दूसरा लॉस जो मैंने बताया था आपको, दूसरा लॉस था कॉपर लॉस। ये कॉपर लॉस वेरिएबल लॉसेस है, क्यों, क्योंकि ये करंट पर डायरेक्टली डिपेंडेंट है, और करंट किस पैरामीटर पर डिपेंड करता है कि हमने ट्रांसफार्मर में लोड कितना कनेक्ट कर रखा है। तो किसी भी वक्त पे ज़रूरी तो नहीं है कि हमेशा ट्रांसफार्मर में कांस्टेंट लोड रखा रहे, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल इम्पॉसिबल बात है कि ट्रांसफार्मर में हमेशा लोड कांस्टेंट रहेगा। तो डिफरेंट लोडिंग पर क्योंकि हमारा करंट डिपेंड करता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमारा कॉपर लॉस हमेशा वेरी करता रहेगा, लेकिन कोर लॉस हमारा वेरी नहीं करेगा। कोर लॉस हमारा सप्लाई वोल्टेज पर डिपेंड कर रहा है और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रहा है, जो हमारे कोर में मैग्नेटिक फील्ड का सेटअप कर रहा है। तो कोर लॉस कांस्टेंट है और कॉपर लॉस हमारे पास क्या है, वेरिएबल है। तो आइए अब हम इफिशियंसी की बात कर रहे हैं, क्योंकि इफिशियंसी ही समझने के लिए चीज़ें ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ये बताया है, लेकिन मेन हमारा पर्पस क्या है, इफिशियंसी को जानना। तो इफिशियंसी हमने आपको डिफाइन किया क्या था, आउटपुट पावर डिवाइड बाई इनपुट पावर। आउटपुट पावर को क्या कह सकते हैं, वी आई कॉस फाई। इनपुट पावर को क्या कहा था मैंने, आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। आउटपुट क्या है, वी आई कॉस फाई। लॉसेस क्या है हमारे पास, हमारे पास मेनली लॉसेस क्या है, आयरन लॉस और कॉपर लॉस। मैं आयरन लॉस इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि अगर कोर लॉस लिखूं तो आप सी से कॉपर में कंफ्यूज हो सकते हैं, इस वजह से मैं आयरन लॉस लिख रहा हूं। कॉपर लॉस आयरन लॉस होता है, चीजें की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन नोटेशन में चीज़ें आसान हो जाएगी। अब यहाँ अगर आप इसके फॉर्मूले पर ध्यान दें, तो यहाँ एक ये करंट पर डिपेंड कर रहा है ये, और आपके पावर फैक्टर पर भी डिपेंड कर रहा है। तो पावर फैक्टर का इससे रिलेशन क्या है, पहले आप पावर फैक्टर की वैल्यू को, कॉस फाई की वैल्यू को 90 डालकर देखिए, सॉरी फाई की वैल्यू को 90 डालकर देखिए, तो कॉस फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो। तो उस टाइम जब हम देखेंगे तो इफिशियंसी की हमारी वैल्यू निकल कर आएगी जीरो, यानी अगर प्योरली रिएक्टिव लोड है तो हमारा इफिशियंसी क्या हो गया, जीरो हो जाएगा। इसी ढंग से अगर हम धीरे धीरे फाई की वैल्यू को घटाएं, यानी तो कह सकते हैं पावर फैक्टर की वैल्यू को बढ़ाएं, तो हमारा एफिशिएंसी क्या होगा, इम्प्रूव होगा। ठीक है, और फाइनली क्या होगा, तो एफिशिएंसी हमारी, एफिशिएंसी की वैल्यू हमारी मैक्सिमम होती है एट पावर फैक्टर बराबर वन। यूनिटी पावर फैक्टर पर हमारी एफिशिएंसी की वैल्यू मैक्सिमम होती है। एफिशिएंसी कुछ इस ढंग से बढ़ती है, ठीक है, आप इसको 0.6, 0.8 और 1 पावर फैक्टर मान सकते हैं। तो इस ढंग से हमने पावर फैक्टर के चेंज से देख लिया एफिशिएंसी क्या है। हम बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है पावर फैक्टर के एनालिसिस में, क्योंकि पावर फैक्टर से क्लियर कट चीज़ें दिखती है, लेकिन ये दूसरा पैरामीटर जो करंट है, वो यहाँ पर इंपॉर्टेंट पैरामीटर है कि हमारी इफिशियंसी किस ढंग से, या किसी गिवन लोड की अगर हम बात करें तो गिवन लोड में उसके पावर फैक्टर क्या होगा, फिक्स होगा। तो अगर गिवन पावर फैक्टर या गिवन लोड की बात करें, तब हमारा एफिशिएंसी किन किन पैरामीटर पर डिपेंड करता है और किस ढंग से हम मैक्सिमम एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं, हम उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो अगर हम सिर्फ पावर फैक्टर की बात करें, तो पावर फैक्टर में क्या होगा, एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम होगी यूनिटी पावर फैक्टर पर। लेकिन अगर पावर फैक्टर गिवन है,
हम उसको मान लें कि हमारे पास फैक्टर कांस्टेंट है, तब हमारी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी? तब आप एफिशिएंसी देख सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं वी आई कॉस फाइव पी आई प्लस कॉपर लॉस को आई स्क्वायर आर इक्विवेलेंट लिख दीजिए। ठीक, हम चाह रहे हैं कि हम करेंट्स का लोडिंग का क्या फर्क पड़ रहा है एफिशिएंसी पे, इसी वजह से हम ऊपर वाले टर्म से करंट को बाहर ले लेते हैं, यहाँ नीचे भी करंट कॉमन ले लेते हैं। हमारे पास टर्म निकल कर आ रहा है वी कॉस फाइव पी आई बाई आई आई इंटू आर इक्वेलेंट। अब देखिए ऊपर की चीज़ें तो गिवन है, कांस्टेंट है, तो हम इसके बारे में कुछ बात नहीं करेंगे। अब हम चाह रहे हैं कि हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो। एफिशिएंसी को मैक्सिमम करने के लिए क्या डिनोमिनेटर को मिनिमाइज कर दिया जाए तो काम नहीं चल जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर जितना कम होगा हमारा एफिशिएंसी क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर को ही डिफ्रेंशिएट करके इक्वल करेंगे जीरो से, ताकि हम देखें कि हमारा जिस ढंग से मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं मैथमेटिक्स में एक्जैक्टली वही काम करेंगे। तो यहाँ डिनोमिनेटर का सबसे पहले एनालिसिस करते हैं। डिनोमिनेटर हमारा क्या है, इसको हम i के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वी कॉस फाइव प्लस पी आई बाई आई प्लस आई आर इक्वलेंट, और इसको जीरो के इक्वेट कर देते हैं। ये आएगा आपका जीरो, ये आ जाएगा माइनस पी आई बाई आई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आर इक्वलेंट। यहाँ से जो रिलेशन निकल कर आ रहा है आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, ये चीज क्या है, कोर लॉस बराबर कॉपर लॉस है। तो इफिशियंसी उस मोमेंट पर मैक्सिमम होगी, ये कंडीशन है मैक्सिमम इफिशियंसी होने की, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इफिशियंसी इन ट्रांसफार्मर है। इसी ढंग से आपने डीसी मशीन में भी देखा था, जिस टाइम कांस्टेंट लॉस, कोर लॉस क्या था, कांस्टेंट लॉस था, कॉपर लॉस क्या था, वेरिएबल लॉसेस था। जब आपके कांस्टेंट लॉस और वेरिएबल लॉसेस बराबर हो जाएं तब आपकी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। ठीक है, तो यही कंडीशन है ट्रांसफार्मर में एफिशिएंसी मैक्सिमम होने का, जिस मोमेंट पे, जिस लोडिंग पे कॉपर लॉस की वैल्यू कोर लॉस या आयरन लॉस के बराबर होगी तब हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम, क्योंकि हमारा कोर लॉस और आयरन लॉस क्या है, कॉन्स्टेंट है, तो कॉपर लॉस ही वेरी होकर इस वैल्यू पर अटेंड कर रहा होगा ना, कोर लॉस के बराबर हो रहा होगा, तो वो हमारे किस पर डिपेंड करेगा, हमारे करंट की वैल्यू पर डिपेंड करेगा। इसको दूसरे ढंग से भी लिखा जा सकता है, अगर हम करंट के फॉर्म में लिखें तो करंट क्या हो जाएगा, करंट की वैल्यू हो जाएगी पी आई अपॉन आर इक्विवेलेंट। ये वो करंट है जिस पे एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम हो जाती है इस लोडिंग पे। ठीक है, और परसेंटेज ऑफ लोडिंग के, जैसे मान लीजिए कि फुल, हम आमतौर पर बात करें तो फुल लोड करंट कितना है, आई एफ एल है, तो कितना करंट हम कितना परसेंटेज ऑफ लोडिंग रखें ताकि हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम हो, तब हम इसको दूसरे ढंग से डिफाइन करते हैं परसेंटेज ऑफ लोडिंग के टर्म में। ठीक है, तो आप इसको इस ढंग से लिख सकते हैं, इसको हम फुल लोड करंट से डिवाइड कर देते हैं। जब आप फुल लोड करंट से डिवाइड करेंगे तो आपको इस तरफ डिवाइड करना पड़ेगा, इस चीज को क्या लिखा जा सकता है, इसको रूट अंडर पी आई लिख सकते हैं। आई स्क्वायर आर लॉस क्या हो गया, ये कॉपर लॉस हो गया फुल लोड पे। ठीक है, ये फुल लोड कॉपर लॉस हो गया, तो किसी भी मोमेंट पे अगर हम यहाँ पूछें कि कितना हमारा रेटिंग परसेंटेज ऑफ लोडिंग है, तो परसेंटेज ऑफ लोडिंग इस ढंग से निकाला जा सकता है। परसेंटेज ऑफ लोडिंग क्या है, के बराबर, या आप इसको x बोल दीजिए, जो भी चीज़ आप नोटेशन इस्तेमाल कर रहे हैं, x बराबर क्या है, i अपॉन आई एफ एल है, और वो निकल कर आ कितना रहा है, पी आई बाई पी सी यू एफ एल, फुल लोड कॉपर लॉस से हमारा निकल कर आ जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ की वैल्यू को अगर उठाकर हम डाल दें तो हमारे मैक्सिमम इफिशेंसी की वैल्यू आ जाती है। इफिशेंसी की वैल्यू हमारी होगी क्या, यहाँ पर अगर आप डालें तो यहाँ पर सीधे ऐसे करके डाल सकते हैं,
और चूंकि पी आई और पी सी हमारा बराबर था, इसको हम 2 PI लिख सकते हैं। ये हमारा हो गया इफिशियंसी का फॉर्मूला, मैक्सिमम इफिशियंसी का। ठीक है, अब परसेंटेज ऑफ लोडिंग के टर्म्स में लिखना चाहें तो हम इफिशियंसी को इस ढंग से लिख सकते हैं। एक्स देखिए वी आई होता है क्या, एस होता है, इस ढंग से इसको लिखा जा सकता है। ये सिंपली आपका मैक्सिमम इफिशियंसी का फॉर्मूला है। इसी ढंग से हम जब भी आपको मैक्सिमम इफिशियंसी निकालने के लिए कहेंगे तो इसी ढंग से निकालेंगे। यहाँ पर एक्स क्या है, परसेंटेज ऑफ लोडिंग है, यानी जो करंट एक्चुअल में अभी फ्लो हो रहा है वो फुल लोड करंट का कितना पार्ट है, कौन सा हिस्सा है। ठीक है, ये अगर 100% है तो 70% पे हमारा इफिशियंसी क्या होगा, क्योंकि हमारे करंट की वैल्यू हमेशा चेंज होती रहती है, परसेंटेज ऑफ लोडिंग चेंज होती रहती है। परसेंटेज ऑफ लोडिंग चेंज होने की वजह से ही किसी मोमेंट पे ऐसा होगा कि वो हमारा कोर लॉस के बराबर हो जाएगा। जब कोर लॉस के बराबर होगा तब हमारी इफिशियंसी मैक्सिमम होगी। और इसी की वजह से एक यहाँ टर्म भी आता है कि आखिर हम जिसकी वजह से ऑल लोड इफिशियंसी की बात करते हैं, लेकिन ऑल लोड इफिशियंसी के बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। यहाँ आपको इसी चीज़ का ख्याल रखना है, आपको मेन कौन याद रखना है कि हमारा पैरामीटर कौन सा है, कि हम जिस पे हमारा इफिशियंसी डिपेंड कर रहा है। एक है पावर फैक्टर, तो कॉन्स्टेंट पावर फैक्टर जब आपकी यूनिटी हो तब हमारी इफिशियंसी मैक्सिमम होगी, या नहीं तो अगर हम करंट के बारे में बात करें तो उस मोमेंट पे हमारी इफिशियंसी मैक्सिमम होगी जब हमारा कोर लॉस और कॉपर लॉस दोनों बराबर हो जाएगा। उस इंस्टेंट पे हम करंट की वैल्यू निकालेंगे और उस करंट की वैल्यू को इफिशियंसी के फॉर्मूले में अगर पुट कर देते हैं तो हमारी मैक्सिमम इफिशियंसी निकल कर आ जाती है। ठीक है, ओल्ड एफिशिएंसी मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ कि ओल्ड एफिशिएंसी होता क्या है, क्योंकि वो बिल्कुल जनरल छोटा सा टर्म है। ओल्ड एफिशिएंसी एक्चुअल में मेनली डिफाइन किया गया है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में होता क्या चीज़ है कि हम देख रहे हैं कि अभी हमने पावर ट्रांसफार्मर डिस्कस किया, तो पावर ट्रांसफार्मर में या तो वो ऑन कंडीशन में होता है या ऑफ कंडीशन में। जब ऑन कंडीशन में होता है तो 100% लोडिंग पे काम कर रहा होता है, लेकिन जो लोड डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है वो एक्चुअल में लोड डिपेंडेंट होता है, कि जहां पर लगा रहे होते हैं जो एक्चुअल में लोड वेरिएबल लोड को डील करता है, तो वहां पर जो इफिशियंसी कैलकुलेट होता है वो हमारे लोड साइकिल पर डिपेंड करता है, किस टाइम हमारे परसेंटेज ऑफ लोडिंग क्या है। ठीक है, तो वहां हम जो निकाल रहे होते हैं इफिशियंसी डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए, वहां उसके इफिशियंसी निकालने का सही पैरामीटर यही है ऑल डे इफिशियंसी, या इसको एनर्जी इफिशियंसी भी कहते हैं। तो जो हमने आउटपुट पावर देखा है, तो हमने आउटपुट पावर हम 24 घंटे के लिए देखेंगे, सिमिलरली इनपुट पावर भी हम 24 घंटे के लिए देखेंगे, उसी को हम कहते हैं ऑल डे इफिशियंसी। तो अगर हम कहें इफिशियंसी ऑल डे कैसे निकालेंगे, इफिशियंसी ऑल डे निकालेंगे कि इसको कह देंगे आउटपुट किलो वाट आवर इन 24 आवर्स, सिमिलरली इनपुट किलो वाट आवर्स इन 24 आवर्स, जिसको हम लिख सकते हैं अगेन आउटपुट किलो वाट आवर इन 24 आवर्स, प्लस लॉसेज यानी आयरन लॉसेज इन 24 आवर, प्लस कॉपर लॉसेज इन 24 आवर्स। ठीक है, इसी चीज को हमने 24 आवर्स के हिसाब से कर दिया है, ताकि हम उसको ऑल डे एफिशिएंसी, इसी वजह से टर्म इसके साथ इस्तेमाल कर रहे हैं कि ऑल डे एफिशिएंसी, इसी वजह से इसको एनर्जी एफिशिएंसी कह रहे हैं, क्योंकि हम किलोवाट आवर के टर्म्स में बात कर रहे हैं। अब यहाँ एक बात है जो चीज़ समझने की है। ठीक है, हमने अभी आपको ट्रांसफार्मर के केस में बताया, एक जनरल जो ऑर्डिनरी एफिशिएंसी निकाल कर बताया, तो हमने बताया कि जब हमारा कोर लॉस कॉपर लॉस के बराबर होता है तब हमारी एफिशिएंसी मैक्सिमम होती है। तो ये काफ़ी सिंपल है जब आप पावर ट्रांसफार्मर की बात कर रहे हो, लेकिन जब आप बात कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर, तो हम कह रहे हैं आपसे कि हमारी लोडिंग हमेशा चेंज होती रहती है। एवरेज लोडिंग जो है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की, वो 70-75% होती है। ठीक है, ऑन एन एवरेज। ठीक है, लेकिन आपके अगर पावर ट्रांसफार्मर की बात की जाए तो सिर्फ 2 कंडीशन है, या तो वो ऑन कंडीशन में होता है या वो ऑफ कंडीशन में होता है। इसी वजह से जब हम डिज़ाइन कर रहे होंगे डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में, तो यहाँ जो पैरामीटर मेनली अफेक्ट करता है उसको एनर्जी इफिशियंसी या ऑल डे इफिशियंसी कहते हैं। इसको थोड़ा और समझने की कोशिश कीजिए। हमने बताया आपको अभी
कि हमारा आयरन लॉस या कोर लॉस क्या है, कांस्टेंट है, लेकिन हम चाहते हैं क्या, एनर्जी इफिशेंसी हमारी इफिशेंसी मैक्सिमम हो। तो इफिशेंसी मैक्सिमम होने के लिए दोनों को बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो चूंकि हमारा आयरन कॉपर लॉस इस केस में कम होगा, क्योंकि कॉपर लॉस हमारा क्या है, करंट हमारा 70-75% है, तो हमारा आई स्क्वायर लॉस क्या होगा, घट जाएगा, 70-75% के आसपास आ जाएगा। इसी वजह से हमको ज़रूरत क्या है कि आयरन लॉस को भी घटा के हम 70-75% ले जाएँ, ताकि दोनों के दोनों लॉसेस बराबर हों और हमारी इफिशेंसी मैक्सिमम हो। तो आयरन लॉस हमारा किस पर मेनली डिपेंड कर रहा था, मैग्नेटिक फील्ड पे। मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, तो अगर हम मैग्नेटिक फील्ड लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, फ्लक्स बाई एरिया। तो मैग्नेटिक फील्ड को हमको रिड्यूस करना पड़ेगा ना, ताकि हमारा वो कॉपर लॉस के बराबर हो सके, 70-75% के रेंज में जा सके। तो इसको रिड्यूस करने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा देते हैं, ताकि हमारा मैग्नेटिक फील्ड घट सके, ताकि हमारा आयरन लॉस घट सके और वो घट के हमारे कॉपर लॉस के इक्वल हो जाए, ताकि हमारा इफिशेंसी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर भी मैक्सिमम हो सके। इसी वजह से अगर सेम केवीए रेटिंग का, सेम कैपेसिटी की अगर ट्रांसफार्मर की बात करें, केवीए रेटिंग से मुराद है कैपेसिटी, सेम केवीए रेटिंग की अगर हम बात करें, तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर साइज वाइज हमारे पावर ट्रांसफार्मर से बड़ा होता है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एफिशिएंसी को मैक्सिमाइज करने के लिए हमको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ाना पड़ता है, ताकि हमारे मैग्नेटिक फील्ड घट सके। मैग्नेटिक फील्ड घटेगा तो हमारा आयरन लॉस घटेगा, और वो घटेगा तभी वो 70-75% के आसपास आएगा। तो इसी वजह से, चूंकि हमारा डिफरेंट मोमेंट पर डिफरेंट लोडिंग कंडीशन होती है, इसी वजह से डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की जब हम बात कर रहे होते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के लिए स्पेशली ऑल डे एफिशिएंसी के बारे में, ऑल डे एफिशिएंसी के बेसिस पे हम उसको जज करते हैं, हम उसको ऑर्डिनरी एफिशिएंसी के बेसिस पे जज नहीं करते हैं। इससे रिलेटेड मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको नेक्स्ट सेशन में, तो आपको चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी। आज के सेशन के लिए इतना ही, थैंक यू।